इधर बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। सिवान में पुल गिरा, पुल ढहने का अब वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए, एक दिन में बिहार में 5-5 पुल ढह गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में जारी है पुल गिरने का सिलसिला। छपरा में ब्रिटिश काल का बना पुल गिर गया, गंडकी नदी पर बना पुल ढह गया। पिछले 24 घंटे में लगभग 5 पुल आपको बता दें ढह गए हैं, 15 दिनों में 11 पुल ढह गए हैं। अब देखिए, पुल ढहने का जो वीडियो है वो भी सामने आया। बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएं अब आम हो रही है, क्योंकि देखिए लगातार बारिश हो रही है, बारिश का सिलसिला जारी है। और बारिश को लेकर ये वीडियो भी सामने आया कि आगामी दिनों में भी एक भारी बारिश की चेतावनी बिहार में जारी की गई। लेकिन इस बीच जो पुराने पुल हैं वो लगातार धराशायी हो रहे हैं। देखिए वो तस्वीर में देखिए जरा आप, बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी। सीमान के ये पुल है, ये सीवान का पुल बताया जा रहा है, जो कि ब्रिटिश काल का पुल बताया जा रहा है। इसका एक हिस्सा भर भरा कर नदी में जा गिरा है। देखिए आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार एक नहीं 15 दिन में 11 पुल ढह गए, एक दिन में 5 पुल ढह गया है। ब्रिटिश काल का पुल था, जाहिर सी बात है कि रखरखाव का अभाव है, और रखरखाव के अभाव के चलते ही तमाम जो पुल हैं वो लगातार धराशायी हो रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं, बिहार में जारी है पुलों के गिरने का सिलसिला। छपरा की बात करें, छपरा में ब्रिटिश काल का पुल गिर गया, गंडकी नदी पर बना ये पुल ढहा। पिछले 24 घंटे में 5 पुल ढह गए हैं, पिछले 15 दिनों का हम जिक्र कर रहे हैं, लगभग 11 पुल ढह गए। बिहार में लगातार पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है। छपरा में गंडकी नदी पर बना पुल गिरा। बताया जा रहा है कि नदी पर बना था ये पुल, जो कि ब्रिटिश काल के वक्त का था। पिछले करीब 15 दिनों में 11 पुलों के गिरने का मामला सामने आ चुका है, और अपने आप में बड़ी बात है, लगातार पुल गिर रहे हैं। और देखिए, भारी बारिश के चलते ये स्थिति जो है बिहार में अब आम हो चली है। मेरे पीछे देखिए जरा आप, ये वो जगह है जहाँ पर एक एक करके जो पुल हैं वो धराशायी हो रहे हैं। ये खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, ब्रिटिश काल के पुल गिर रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं एक एक दिन में 5-5 पुल गिरे। छपरा की गंडकी नदी पर ये बना हुआ पुल, जो कि बताया जा रहा है कि नदी पर बना ये पुल जो था ब्रिटिश काल का पुल बताया जा रहा था। और देखिए, ये भी पुल भर भरा कर किस तरीके से गिर गया, जाहिर सी बात है रखरखाव का अभाव है। भारी बारिश की चेतावनी वैसे भी जारी की जा चुकी है, लेकिन अब ये तमाम जो पुल गिर रहे हैं, तमाम जो कंस्ट्रक्शन खराब हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, ये भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना होगा। फिलहाल मेरे पीछे तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से 15 दिनों में 11 पुल ढह गए, एक दिन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक दिन में देखिए 5-5 पुल भर भरा कर गिर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, अब आपको बता दें कि जाँच चल रही है, लेकिन जो पुराने पुल हैं, क्यों उनका रखरखाव ठीक तरीके से नहीं हो पाया, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, चाहे पुराने पुल हो, या फिर अभी के बने पुल हो, किसी की भी स्थिति सामान्य नजर नहीं आ रही, जो कि अब लोगों में खौफ पैदा कर रही है। तो फिलहाल तस्वीरें इस वक्त से लोग बेहद खौफजदा हैं कि पुलों से गुजरना अब लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। 15 दिन में 11 पुल धराशायी हो गए, एक एक करके पुल गिर रहे हैं, एक दिन में 5 पुल गिरे, जो कि अब प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, बिहार में भारी बारिश इस वक्त चल रही है, और आगामी दिनों में और भी बारिश होगी, तो क्या बिहार प्रशासन तैयार नहीं, क्या तैयारियां अधूरी? ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, छपरा में किस तरीके से पुल गिरा। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।